हमारे क्षेत्र की बहू है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका बाप ससुर धूर्त है, वो दुष्ट है और उसी की वजह से हारी, उसके कुकर्मों से वो बेचारी वो हार गई। तो वोट गए कहाँ? इससे साफ जाहिर होता है कि या तो उन्होंने रुचि यादव को धोखा दिया, जनपद फरीदाबाद की जनता को धोखा दिया, झूठ बोले, या इन्होंने बीच रास्ते में वोट बेच दिए। नमस्कार, मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और आप सभी का स्वागत है KIA न्यूज़ एजेंसी में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, उनका परिणाम भी आ चुका है। तकरीबन 67 सीटें जो भाजपा के खेमे में गई हैं और साथ ही साथ 5 सीटें सपा को प्राप्त हुई हैं। और फिरोजाबाद सीट की बात करें तो हर्षिता सिंह जो बीजेपी से थी उनको जीत प्राप्त हुई है। और आज हमारे साथ हरिओम यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका KIA न्यूज़ एजेंसी में। थैंक यू सर। लोगों का कहना है कि बीजेपी को जो जीत मिली है उसमें कहीं ना कहीं आपका श्रेय है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी और सपा यहाँ चुनाव लड़ी थी, हम मूल रूप से समाजवादी पार्टी के MLA थे और आज भी हैं, और समाजवादी पार्टी हम लोगों के खून में बसी हुई है, नेताजी के हम अनुयायी हैं। लेकिन बीच में चुनाव के समय हमें पार्टी से निकाल दिया, कारण हमको भी निकाला, हमारे बेटे विजय प्रताप जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनको भी निकाला। फिर भी हम लोग, हमारे परिवार से हमारा बेटा, हमारी पत्नी राम सखी यादव और विजय प्रताप दोनों चुनाव जीत गए जिला पंचायत। और ये सब हुआ राम गोपाल और उनके लड़के की गलत नीतियों के कारण, हम लोगों को उनके गुरुओं की वजह से हमको पार्टी से निकाला गया। इस पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने से सींचा था, हमारे साथियों ने, ये समर्थक बैठे, इन्हें जेलें में काटे, लठ भी खाए, और इस पार्टी को इस जनपद में बहुत मजबूत किया। पांचों की पांचों सीटें हम लोगों के ज़माने में समाजवादी पार्टी के खाते में जाती थी। जब से इस ज़िले में प्रोफेसर रामगोपाल और उनके लड़के का पदार्पण हुआ, तभी से समाजवादी पार्टी इस ज़िले में कमज़ोर होने लगी। और ये हंस रहे आज अकेले हम MLA हैं, बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी हारी, लोकसभा का चुनाव गठबंधन में भी हारी और सारी नगरपालिकाएं हारी, केवल अकेले हमने सुखाबाद नगरपालिका अपने दम पर यहाँ जिता दी थी, बाकी सारे प्रोफेसर रामगोपाल के नेतृत्व, उनके लड़के के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए सारे हारे। उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आया, प्रोफेसर ने पहले ही मन बना लिया था कि सपा के प्रत्याशी को हरवाएंगे, और इसीलिए इतना कमज़ोर प्रत्याशी उन्होंने तय किया। हमने कहा प्रत्याशी अगर बदल लेंगे प्रोफेसर तो समाजवादी पार्टी को हम समर्थन कर देंगे, 25 वोट समाजवादी पार्टी को। लेकिन अंदर खान ने प्रोफेसर रामगोपाल उनके लड़के की साठगांठ थी, और साठगांठ का ये परिणाम हुआ जहाँ तक हम पर आरोप लगाया था हमने मदद की। तो ये सही है कि बीजेपी के बड़े नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय डॉक्टर जादव सिंह, और जिला अध्यक्ष भाग पार्टी के सभी जिले के और प्रदेश उपाध्यक्ष वगैरह आए और हमसे समर्थन मांगा। लेकिन हम इंतज़ार करते रहे कि सपा का कोई व्यक्ति हमसे वोट मांगने आए। जब समाजवादी पार्टी ने हमसे, किसी ने वोट नहीं हमसे मांगा, तो बताइए, हम चुने गए थे वोट देने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता था कि जनता के हित में हम कहीं ना कहीं वोट दें। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी इस देश की, अब लोग हमसे वोट मांगने आए, और घर पे कोई आता है तो आप जानते हो उसका सम्मान किया जाता, शास्त्रों में है, घर पे कोई मांगने कुछ आता है तो उसे निराश नहीं किया जाता। तो सर 2022 विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या आपका सपोर्ट बीजेपी को रहेगा? देखिए, अभी तो हम सपा से निष्कासित हैं, इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। अब नहीं अगर सोचेंगे तो अक्टूबर में फैसला लेंगे, चुनाव तो लड़नाएंगे किसी न किसी दल से, फिर हम विचार करेंगे, अपने लोगों से पूछेंगे हम किस दल से चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। सर, देखा गया था कि कल शुकावा से पूर्व सांसद अक्षय यादव और MLC दिलीप यादव 17 कैंडिडेटों को अपने साथ लेकर वोट डलवाने गए थे और उनके खेमे में केवल 12 वोट आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम शुरू से कह रहे थे ये बेचारी रुचि यादव के साथ धोखा हुआ, इन प्रोफेसर रामगोपाल उनके लड़के ने, और यो जिसका नाम ले रहे हैं, उनका हम औरों का नाम नहीं लेना चाहते, इस तरह के लोगों ने उनका हम नाम लें, जो यहाँ करता रहा उसने धोखा किया। पूर्व सांसद अपनी गाड़ी में वोट ले जाता, वगैरह हमारे पास 21 वोट हैं, कभी कहता हमारे पास 22 वोट हैं, और वोट उन्हीं के कब्जे में, रामगोपाल उनके लड़के में, उनके गुरुओं के में, तो वोट गए कहाँ? इससे साफ जाहिर होता है
कि या तो उन्होंने रुचि यादव को धोखा दिया, जनपद फरीदाबाद की जनता को धोखा दिया, झूठ बोले, या इन्होंने बीच रास्ते में वोट बेच दिए, तभी तो 12 निकले। बेट कहाँ चले गए, ऊपर चले गए जमीनों की, जमीन आसमान में चले गए। सर रुचि यादव ने आरोप भी लगाया कि अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रुचि यादव का आरोप गलत है। इतना निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इतनी शक्ति थी, परंदा पैर नहीं, इतना फोर्स था। स्वयं आईजी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, पर्यवेक्षक थे, और 2300 लोगों ने वोट अपनी मर्जी से एक एक करके डाला। कोई साथ भी नहीं गया, अकेले लोग गए, कोई साथ भी नहीं जाने दिया। तो यहाँ प्रशासन पर आरोप लगाना ही गलत है। आरोप अगर लगाएं रुचि यादव, तो उस पर लगाना चाहिए प्रोफेसर पर, उनके लड़के पर, और जो इसके कर्ता था जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने धोखा दिया। अब रुचि यादव बेचारी बहू है, उसका तो कोई दोष नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है बेचारी, एक गृहिणी है, न पॉलिटिकल परिवार से है, तो उसका कोई दोष नहीं। वो हमारे क्षेत्र की बहू है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका बाप ससुर धूर्त है, वो दुष्ट है, और उसी की वजह से हारी, उसके कुकर्मों से वो बेचारी वो हार गई। सर, जीती हुई प्रत्याशी बीजेपी की हर्षिता सिंह को और हारी हुई प्रत्याशी रुचि यादव को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, पहले तो मैं जीती हुई प्रत्याशी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्षिता सिंह के लिए, और उनसे कहूँगा कि आपको जनपद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और पद मिलना तो आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन होता है। ये लगभग 30 लाख की आबादी का जिला है, और उसमें वो प्रथम नागरिक हैं, प्रथम महिलाएं, तो जिम्मेदारी बहुत है हर्षिता सिंह के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल परिवार है, उसके ससुर भी मंत्री रहे, MLA रहे, तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं, और जिस मकसद से जनता ने भरोसा किया है, हम लोगों ने जिस मकसद से मदद की है, उसमें हमें उम्मीद है कि वो खरी उतरेंगी। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, हर्षिता सिंह के लिए, कि आगे बढ़ें और जनता की सेवा करें, जनता का आशीर्वाद मिलेगा उन्हें, और आशीर्वाद से ही आदमी आगे बढ़ता है। जहां तक हारी हुई प्रत्याशी का सवाल है, मैं रुचि यादव को यही सलाह देंगे कि हार जीत चुनाव में होती है, धैर्य से काम लें, और अगर कमी रह गई है, ये पहले ये समीक्षा करें कि हमारे चुनाव में कहाँ कमी रही, मैनेजमेंट में कहाँ कमी रही, किस कारण हम चुनाव हारे, किन लोगों की वजह से हारे, किन लोगों ने हमें धोखा दिया, किन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जो उनके साथ थे विश्वासघात, तो वही करेंगे, साथ रहता है, तो ये उनको मंथन करना चाहिए, धैर्य से काम नहीं, तो हार से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिओम यादव जी, कल फिर मुलाकात होगी नए कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। KIA न्यूज एजेंसी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।